लोगों, मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की लास्ट फिल्म या डेड रेकनिंग फाइनल का ट्रेलर रिलीज हो गया है दोस्तों। वैसे तो इस फिल्म को रिलीज होने में अभी काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन टॉम क्रूज के जो फैंस है, जो डाई हार्ट फैंस है भाई साहब, उनको उन्होंने ट्रीट दी है और बेहतरीन दी है और काफी मनोरंजक दी है दोस्तों। ट्रेलर कहीं ना कहीं यार आपको इमोशनल भी करता है, एंगेजिंग करता है और रोमांच की दुनिया में लेके जाता है। जिस तरह की यार मिशन इम्पॉसिबल सीरीज रही है भाई साहब, और उसके अंदर इथन हंट का जो कैरेक्टर टॉम क्रूज प्ले करते हैं यार, एक अलग ही घुस बम आता है। तो भाई लोगों, इस फिल्म का सीरीज का यार यहाँ पर दोस्तों शुरुआत अगर बोले दोस्तों, तो 1996 के अंदर इसका पहला पार्ट आया था। और भाई साहब अगर मैं बताऊं तो मैंने इस फिल्म का पहली बार चौथा पार्ट देखा था, गोस्ट प्रोटोकॉल का, और उसके बाद मुझे जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो मैंने लाइन बाय लाइन एक के बाद एक सारे फ्रेंचाइजी के जितने भी पार्ट्स थे सब कुछ देख डाले। और मैंने लगभग यार 2010 के अंदर इसका 1996 का देखा था, और भाई साहब मुझे उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस लगी थी वो मूवी और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। तो दोस्तों ट्रेलर के अंदर हमें झलकियाँ 1996 के अंदर ही आई, मिशन इम्पॉसिबल से शुरू होती है, और जो डेड रेकनिंग का जो यहाँ पर माया जाल दिखाया गया है जिस तरह से, वो भी हमें नज़र आता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यार कहा जा रहा है कि मिशन इम्पॉसिबल की ये लास्ट फिल्म है और टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल से विदाई ले लेंगे। आधिकारिक तौर पर तो ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की और जिस तरह से डेड रेकनिंग मूवी बन थी उस टाइम पर भी ये बातें काफी ज्यादा चली थी। तो यार इतना ही कहना चाहूंगा, मिशन इम्पॉसिबल सीरीज काफी ज्यादा यार इमोशनल दिल में काफी ज्यादा जगह रखती है और टॉम क्रूज के लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट रखती है। कि यार मिशन इम्पॉसिबल मतलब टॉम क्रूज भाई साहब, उनके स्टंट देखो, जो बाइक के सीन है, जो उनके रनिंग के सीन से यार देखते ही बनता है। तो दोस्तों मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन यार 2023 के अंदर आया था, और उस टाइम पर यार ये मूवी काफ़ी अच्छी रही थी। एक्शन सीक्वेंसेस का प्रेजेंटेशन बहुत यूनिक था यार। वैसे ये मूवी रिलीज होगी यार दोस्तों 2025 के अंदर, तो अभी इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम है, मई के अंदर आएगी समर वेकेशन में, तो कहीं ना कहीं मूवी के लिए अच्छा भी रहेगा। और लास्ट टाइम यार ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर इसका देखा जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं यार बारबी एंड ओपनहाइमर के बीच में यार ये मूवी पिस गई थी, इसको स्क्रीन ही नहीं मिले थे भाई साहब, और इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी थी इस मूवी को, इसके ऊपर यार कलेक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो यार जो कलेक्शन है वो एक अलग चीज़ है, और यार जो एक्शन लेवल, जो इसकी स्टोरी लाइन, जो इस फिल्म का प्रेजेंटेशन होता है भाई साहब, वो यार घुस बम वाला होता है, और मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, क्योंकि यार एक एक्शन को टॉम क्रूज अलग ही लेवल पर लेके जाते हैं। और यार इस मूवी के अंदर भी आपको ढेर सारे एक्शन सीक्वेंसेस मिल जाएंगे, क्योंकि यार इतने ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस है और इतने ज़्यादा क्लियर है, इतने ज़्यादा शानदार VFX है, तो यार कहीं ना कहीं मूवी बहुत बड़ी है। और भाई साहब मूवी जब आएगी तो तहलका मच जाएगा। तो यार इसका ट्रेलर काफ़ी शानदार है अभी तक यार, अगर आपने वॉच नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ जाइए एंड वॉच कीजिए। और मैं तो यार यही चाहूँगा कि मिशन इम्पॉसिबल को अभी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि टॉम क्रूज पूरी तरीके से फिट है यार, 60+ के आसपास हो गए, लेकिन बंदे का चार आज भी वही है। सो दोस्तों आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा मिशन इम्पॉसिबल रेकनिंग फाइनल ट्रेलर, तो भाई लोगों कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो भी बताना, और बुरा लगा हो तो भी बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।